बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा खुश आमदीद कहते हैं। पीपीएससी की आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स और एजुकेटर के हवाले से, और ख़ास तौर पर यह वीडियो बनाई जा रही है जनाब जो लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर है उसके हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमने तैयारी करनी है तो हमें थोड़ा सा जो है बिल्कुल आसान तरीका बता दें कि हम किस तरह इस पेपर को क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, इसका सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लिटरेसी मोबिलाइज़र है इसका इशू ये है कि जहाँ पे एमएस बीएस फोर ईयर वाले भी अप्लाई कर चुके हैं और बैचलर वाले भी अप्लाई कर चुके हैं, एलिजिबल सारे हैं, ठीक है, एलिजिबल सारे हैं, इनको रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता। इसके अंदर अगर आप देखें तो जनाब लिटरेसी मोबिलाइज़र की ऊपर जो है टोटल जो स्टूडेंट ने अप्लाई किया है वो तकरीबन 59,648 एग्जैक्ट फिगर है, 183 सीटें हैं, 183 में से 141 आई थिंक जो है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये जनाब इसके अंदर कौन सी एडवर्टाइजमेंट है। तो ये 31 एडवर्टाइजमेंट के अंदर जनाब याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है टोटल 31 चली गई, 142 सीटें जो है ना ओपन मेरिट की हैं। ओपन मेरिट को 142 से मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये बन जाएंगे तकरीबन जनाब 710। पहले 710 बच्चे वो होंगे जो इसके अंदर क्वालिफाई करेंगे पेपर के अंदर, ठीक हो गया। अब ये जनाब जो यहाँ पे 59,000 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें से तकरीबन 10 से 15,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ के 10,000 तो कन्फर्म है ना, 10,000 स्टूडेंट अबसेंट होंगे, टेस्ट ही नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, वक्त अप्लाई कर देते हैं लेकिन पेपर नहीं देते। यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा हो तो स्टूडेंट को लगता है कि जनाब यहाँ पे हमारा पेपर पास नहीं होगा, लिहाजा वो अपेयर ही नहीं होते। अब सवाल ये होता है कि इसका मेरिट कितना जाएगा। इसका ओपन मेरिट मैं अभी आपको बता दूं कि इसका ओपन मेरिट इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, इसका ओपन मेरिट बनेगा जनाब मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम होगा लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ ताकि आप अपने टारगेट सेट करके रखें। इसका मैक्सिमम जो बनेगा जनाब मेरिट बनेगा लिटरेसी मोबिलाइज़र का, लिटरेसी मोबिलाइजर का मैक्सिमम मेरिट बनेगा 58 से लेकर 64 तक। इस फिगर के दरमियान में अभी आपको बता रहा हूँ 58 से लेकर 64, 58 से 64 के दरमियान। अब आपकी मर्ज़ी है आपने कितने सवाल अटैम्प्ट करने हैं और कितने नहीं अटैम्प्ट करने। अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो आप लाजमी ज़्यादा अटैम्प्ट करें, लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि आपके 25% नेगेटिव मार्किंग भी है और आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं और 25% चांस है कि आप दुरुस्त जवाब लगाएंगे जब तुक्के बंदा लगाता है, और 75% चांस होता है कि आप बिल्कुल गलत लगाएंगे। तो लिहाजा अब आपने सोच समझ के पेपर को करना है। 58 से 64 के दरमियान इसका मेरिट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब पीपीएससी के अबाउट जो ये जो आज कोई ऐसी पीपीएससी ने अपडेट नहीं दी, बाकी यही है, लेकिन जो लिटरेसी मोबिलाइज़र है इसकी आप तैयारी आप कैसे करें। जी जनाब, देखें जनाब, आपको पीपीएससी के मॉडल पेपर जो इम्तियाज़ शायद के 91 एडिशन है या जिसके पुराना है वो सारे मौजूद हैं, तो वो आपको सारे आने चाहिए पहले नंबर। दूसरे नंबर पे पाक एमसीक्यू की वेबसाइट ओपन करें, यहाँ पे एक पोर्शन है जीके एमसीक्यू, जीके एमसीक्यू के अंदर तकरीबन 5,000 एमसीक्यू है जो कि तकरीबन वर्ल्ड के अबाउट है, पाकिस्तान के अबाउट भी है। इसमें से तकरीबन 30 से 40 नंबर का पेपर कापी पेस्ट होगा। इसके बाद पाक स्टडी है, पाक स्टडी मुकम्मल करें, इसके टोटल तकरीबन एमसीक्यू तो तकरीबन को 2,000 के करीब हैं। इस्लामिक स्टडी को करें, इसके तकरीबन 1500 एमसीक्यू मौजूद हैं, ये आप मुकम्मल कंप्लीट करें। इसके बाद आपने उर्दू वाला पोर्शन जो है ना, आपने कलीदे उर्दू की बुक लेनी है, कलीदे उर्दू की जो बुक है ये आपने जनाब वाला ले लेनी है, और इसमें से आखिर में याद रखिएगा कि किताब जो है यहाँ पर आई थिंक ये PDF में भी मौजूद है गूगल पर जाएँ तो, लेकिन इसकी मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ ताकि आपको याद होना चाहिए। ये देखें, ये कलीदे उर्दू की जो बुक है ना, इसके आखिर में मॉडल पेपर दिए हुए हैं 12 मॉडल पेपर, एक पेपर जो है 100 नंबर का है तो 1200 MCQ, 10 नंबर का जो पेपर आएगा ना उर्दू, उसमें से आपके 7 से 8 MCQ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगर आप ये कर लेंगे। और उर्दू ही बंदे को जो है ना फेल करवाता है, उर्दू ही से बंदा जो है ना मार खाता है, तो उर्दू को आपने जल्दी जल्दी यहाँ से कम्प्लीट करना है क्योंकि ये जनाब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लिहाजा आप तो इस बात को फॉलो अप करेंगे। तो ये जनाब आपकी तैयारी है, इस तो अभी आपके पास जितने दिन मौजूद हैं
अभी आपके पास 8 और 5 13 दिन मौजूद हैं, और 13 दिन के अंदर आप जितना कुछ कर सकते हैं आप कर रहे हैं, ठीक हो गया। बाकी कोई मसले वाली बात नहीं है, इंग्लिश ज़्यादा हो जाती है, उसके मीनिंग जो है वो आते हैं। इंग्लिश के अंदर जनाब ये है कि आप जो है यहाँ पे जो इंग्लिश के अंदर इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ पे एंटोनियम और सिनोनियम भी दिए हुए हैं। एंटोनियम सिनोनियम अगर आपके सही हो जाते हैं तो फिर आपका ये मसला भी हल हो जाता है। तो ये एक अहम तरीन वीडियो है जो आपके लिए है, और इसके अलावा जनाब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी लिटरेसी मोबलाइजर की, तो आपने इसको अच्छी तरह से क्लियर करना है। बाकी जनाब PPSC का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सारा वेट रहता है, तो इंशाल्लाह ताला इसी वीक के अंदर जो है ना पेपरा की जो वेबसाइट है जहाँ पर ये यहाँ पे एक इवेल्यूशन रिपोर्ट होती है, कंट्रैक्ट को अवार्ड किया जाएगा जो जिसकी भी कंपनी को करना होगा PPSC ने, तो वो करेगा इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला उसके अबाउट भी हम बात करेंगे कि किसको जनाब वाला वो करते हैं। बहरहाल आपको पता है कि एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत एक चलती है हर चीज़, डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है, उसके बाद जो है मतलब है कि अच्छी तरह से जनाब वाला तैयारी कर वो कंप्लीट करने पड़ती है, प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही जाके वो मसला हल होता है। तो ये पेपरा की वेबसाइट है, यहाँ पे एजुकेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन ये वाला वीक बहुत ही अहम है, इस वीक के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि किसको टेंडर देना है। लेकिन मैं अभी भी आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ये टेंडर NTS को ही मिलेगा, क्योंकि NTS जो है ना इस फील्ड में बहुत तजर्बा रखती है। NTS जनाब 3 लाख बंदे का जो है टेस्ट लेने की सलाहियत रखती है, तो NTS को ही दिया जाएगा। तो ये देखें, ये जनाब टेंडर की हेयरिंग थी जो 15 फरवरी को ख़त्म हुई, तो यहाँ पे जब ये हमें यहाँ पे शुरू होगी इवेल्यूशन रिपोर्ट, तो हमें फिर पता चलेगा कि कौन सी कंपनी सेलेक्ट हुई है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही पता चलेगा हम आपको फ़ौरन आगाह करेंगे। तो ये जनाब हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। बाकी जैसे ही हमारे पास जो ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी हम आपसे शेयर करेंगे, और जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी उसके बाद हम एक बहुत बड़ा सेमिनार करेंगे। अब तक हमारे 2 ग्रुप्स फुल हो चुके हैं, 800-900 बच्चे उसमें मौजूद हैं एक ग्रुप में। तो आप ये डिस्क्रिप्शन के नीचे मौजूद है जनाब व्हाट्सएप का लिंक, उसके लिए से ये ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप ग्रुप को, ताकि आप भी सेमिनार का हिस्सा बने जैसे ही हम कंडक्ट करेंगे। जैसे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि सीटें अब अनाउंस हो चुकी हैं, हम उसके फ़ौरन बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा, तब के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।